हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ब्रश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रेजिन से ब्यूटीफुल कोस्टर्स बनाना सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम अपने सिलिकॉन मोल्ड को वेट वाइप्स या टेप की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। आप मास्किंग टेप, ट्रांसपेरेंट टेप या पैकिंग टेप का भी यूज कर सकते हैं। प्रीवियस वर्क के रेजिन चंक्स जो मोल्ड पर लगे हुए रहते हैं उन्हें पील करना इजी होता है, बट जो डस्ट या स्पार्कल मोल्ड पर चिपके हुए होते हैं उन्हें निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए आप मैंने जो वीडियो में दिखाया है वो ट्रिक यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट में मैंने ऑरा ब्रांड के रेजिन एंड हार्डनर का यूज किया है। हमें 2 पार्ट रेजिन में 1 पार्ट हार्डनर को वेट के बेस पर मेजर करके आपस में मिक्स करना है। मैंने स्केल की हेल्प से अपने मोल्ड के डायमीटर एंड डेप्थ को मेजर कर लिया है ताकि हम पोस्टर बनाने के लिए रिक्वायर्ड रेजिन को कैलकुलेट कर सकें। इसके लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से कोई भी रेजिन कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना मेजरमेंट फीड कीजिए और आपको रिक्वायर्ड रेजिन का अमाउंट पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ऐप विच आई हैव यूज्ड, हमें इस पर्टिकुलर मोल्ड के लिए 61 ग्राम हार्डनर एंड 121 ग्राम रेजिन को मिक्स करना है। सो यहाँ मैंने एक वेइंग मशीन की हेल्प से रेजिन एंड हार्डनर को मेजर करके आपस में मिक्स कर लिया है। मैंने रेजिन एंड हार्डनर को आपस में मिक्स करने के लिए एक प्लास्टिक डिस्पोजेबल कप और पॉप्सिकल स्टिक का यूज किया है। हम जैसे ही मिक्सिंग कंटेनर में रेजिन एंड हार्डनर को पोर करते हैं उसकी पॉट लाइफ काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ऑरा रेजिन हैज ओनली 20 मिनट्स ऑफ पॉट लाइफ, सो हमारे पास रेजिन एंड हार्डनर को मिक्स एंड पोर करने के लिए सिर्फ 20 मिनट का टाइम है। रेजिन एंड हार्डनर को मिक्स करने के लिए अपने हाथों को एक ही डायरेक्शन में धीरे धीरे चलाएं। जल्दी जल्दी हाथ चलाने से हमारे मिक्सर में माइक्रो एयर बबल्स फॉर्म हो जाएंगे जिन्हें हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। मिक्सिंग करते टाइम अपने कंटेनर के वॉल्स एंड बेस को भी स्क्रैप करें ताकि हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर मिले, अदरवाइज हमारा रेजिन प्रोडक्ट पूरी तरह क्योर नहीं होगा। यहाँ मैंने अपने मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट एंड सेकेंड में सिल्वर फ्लेक्स ऐड किए हैं। आप एक्रेलिक पेंट की जगह माइका पाउडर, रेजिन पिगमेंट्स या अल्कोहल इंक का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ रेजिन में ज़्यादा अमाउंट में ब्लैक एक्रेलिक पेंट ऐड किया है क्योंकि मुझे ओपेक लुक चाहिए। अगर आप ट्रांसपेरेंट लुक चाहते हैं तो आप कलर की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। आप रेजिन में अपनी पसंद का कलर ऐड कर सकते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि रेजिन में कलर पिगमेंट आपको बहुत ही अच्छे से और प्रॉपरली मिक्स करना है। अदरवाइज आपके रेजिन प्रोडक्ट में जहाँ कलर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वहाँ रेजिन अच्छे तरीके से क्योर नहीं होगा। रेजिन में सारी चीजें ऐड करने के बाद अब हम इसे मोल्ड में पोर कर लेंगे, पर रेजिन को पोर करने के पहले अपने वर्क टेबल को लेवल कर लें, अदरवाइज आपका रेजिन प्रोडक्ट सेम थिकनेस का नहीं होगा। फॉर मोर सेफ्टी आई एम अगेन चेकिंग द लेवल आफ्टर प्लेसिंग माय मोल्ड। अब हम जेंटली रेजिन को अपने मोल्ड में पोर कर लेंगे। आप रेजिन में सिल्वर फॉइल की जगह ग्लिटर या सिक्वेंस भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। रेजिन को फैलाने और आपस में मिक्स करने के लिए पॉप्सिकल स्टिक का यूज करें। रेजिन को पूर करने के बाद हम टूथपिक स्टिक को मोल्ड के किनारों के अराउंड चला लेंगे। ऐसा करने से रेजिन मोल्ड के किनारों तक पहुंचेगा और अगर उसके किनारों पर कोई एयर बबल है तो वो हट जाएगा। ध्यान रखें टूथपिक को ज्यादा जोर से ना चलाएं, अदरवाइज वो आपके मोल्ड को स्क्रैच कर सकता है। लास्टली मैं ब्लू टॉर्च की हेल्प से एयर बबल्स पॉप कर रही हूँ। ब्लू टॉर्च का यूज करते टाइम अपने हाथों को कंटिन्यूसली मूव करते रहें और इसका यूज ज्यादा देर तक एक जगह पर ना करें, अदरवाइज ये आपके मोल्ड को डैमेज कर सकता है।
इसके बाद हम अपने रेजिन पीस को कवर करके 24 आवर्स के लिए क्योर होने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें डस्ट या इंसेक्ट्स ना जाएं। रेजिन प्रोडक्ट के फुल्ली क्योर होने के बाद हम इन्हें डीमोल्ड कर लेंगे। इसके बाद डिबरिंग टूल, कटर नाइफ या किसी फाइन सैंडपेपर की हेल्प से हम रेजिन कोस्टर के शार्प एजेस को स्मूथ कर लेंगे। सबसे लास्ट में मैंने सिल्वर रेजिन मार्कर की हेल्प से अपने रेजिन कोस्टर के एजेस को हाईलाइट कर लिया है टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। आप सिल्वर डस्ट एंड बाइंडर या सिल्वर एक्रेलिक कलर का भी यूज कर सकते हैं। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे ऐसे ही और भी वीडियोस बनाने के लिए इनकरेज करते हैं, सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने इस वीडियो के लास्ट में रेजिन प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इंक्लूड किए हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। यू कैन मेक दिस ब्यूटीफुल कोस्टर्स फॉर योरसेल्फ और फॉर गिफ्टिंग पर्पस एज इट इज सो इजी टू मेक। रेजिन का काम शुरू करने के पहले अपने वर्क टेबल को प्लास्टिक शीट या सिलिकॉन मैट से कवर कर लें, अदरवाइज रेजिन ड्रिप्स की वजह से आपका वर्क टेबल खराब हो सकता है। ऑलवेज वेयर ग्लव्स, रेस्पिरेशन मास्क, सेफ्टी ग्लासेस, सावर कैप एंड एप्रन जब भी आप रेजिन का कोई भी काम करें। अगर आपके पास रेस्पिरेशन मास्क ना हो तो आप N95 मास्क भी यूज कर सकते हैं। रेजिन का काम किसी वेल वेंटिलेटेड एरिया में ही करें क्योंकि रेजिन रिलीज फ्यूम्स एंड गैसेस जो कि हमारे हेल्थ के लिए खतरनाक है। डिफरेंट टाइप्स की रेजिन का मिक्सिंग प्रोपोर्शन, मिक्सिंग टाइम, पॉट लाइफ और क्यूरिंग टाइम डिफरेंट होता है। सो किसी भी रेजिन को यूज करने के पहले उसके इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह से पढ़ें और उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही रेजिन का यूज करें। अगर आप एयर बबल्स पॉप करने के लिए लाइटर या टॉर्च का यूज करने वाले हैं तो उसका यूज बहुत ही ध्यान से करें क्योंकि ये आपके सिलिकॉन मोल्ड को खराब कर सकते हैं।